मौसम के साथ दलदल लगातार बदल रही हैं। अंगोला में ज्यादा बारिश वाले ऊंचे इलाकों में पानी भरने के बाद ओकावैंगो के मैदानों में भी पानी भर गया है। साउथ अफ्रीका की सेंट लूशिया एस्चुरी में इस ईस्टर्न ग्रीन माम्बा को शिकार के अपने तौर तरीके को पानी भरे मैदानों के हिसाब से बदलना पड़ा है। ये सांप अफ्रीका के दक्षिणी हिस्सों के हरे भरे तटीय इलाकों में ही रहते हैं और इन्हें पानी से भरी इन जगहों पर शिकार करना पसंद है। ये ब्लैक माम्बा का चमकीले रंग वाला रिश्तेदार है और इसके चमकीले हरे स्केल्स खतरे की चेतावनी देते हैं। इसके सिर का आकार ताबूत के जैसा है। तैरने में माहिर ये सांप दलदल के किनारे पर शिकार ढूंढता रहता है। किसी शिकार की गंध मिली और ये पीछे पड़ गया। ग्रीन माम्बा को देखते ही खौफ होता है, लेकिन इसके शिकार ज्यादातर मौकों पर इसे देख भी नहीं पाते। इसका जहर नर्व्स, मसल्स और दिल पर असर करता है, जिससे सांस लेने में नाकामी से तुरंत मौत हो जाती है। पूरे शरीर में मौजूद ताकतवर मसल्स और स्केल्स के नीचे की लचीली खाल की बदौलत ये चूहे को साबुत निगल लेता है, सिर की तरफ से पकड़कर। बोत्सवाना के लिनियांटी दलदलों में बारिश के मौसम में घास वाले इलाके कीचड़ से भर जाते हैं। लकड़बग्घे सभी हालात का पूरा फायदा उठाते हैं। यहाँ के सबसे ऊंचे दर्जे के मांसाहारी जानवरों में शामिल लकड़बग्घे यहाँ की सबसे अच्छी जगहों पर राज करते हैं। मुश्किल दिनों में काम चलाने के लिए इनके पास दलदलों में मांस छिपाने की जगह है। इन्हें अक्सर मुर्दाखोर और चोर समझा जाता है, लेकिन असल में ये माहिर शिकारी भी हैं। प्रमुख मादा शिकार पर अपने कुनबे की अगुवाई करती है। लंबे खेल के उस्ताद लकड़बग्घे कई किलोमीटर तक दौड़ सकते हैं। इनके दमखम की बराबरी सिर्फ जंगली कुत्ते ही कर सकते हैं। दो अलग अलग शिकारियों के निशाने पर होने की वजह से कूडू का ये झुंड बड़ी मुश्किल में है। कई किलोमीटर तक दौड़ने के बाद अब ये मादा कूडू और आगे नहीं जा सकती।
लकड़बग्घों और जंगली कुत्तों की आपस में जरा भी नहीं बनती, लेकिन मांस खाने के मौके से अनोखे गठबंधन बन सकते हैं।